जय श्री राधा कृष्ण। सावन के इस पवित्र महीने का हर दिन भक्ति पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। सावन की पहली कमिका एकादशी आने वाली है। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को बताया था कि पापों से भयभीत मनुष्यों को कमिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो फल वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है वही फल कमिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कमिका एकादशी के विषय में ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में मन लगाता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और वो व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। अब आज इस वीडियो में हम इसी महाफलकारी कमिका एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। सावन मास के कृष्ण पक्ष में कब होगी एकादशी? एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय क्या है? कमिका एकादशी के कुछ सरल उपाय बताऊंगी जो जीवन में बरकत देंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और अपना राशिफल आप अपने व्हाट्सएप पे पाना चाहते हो तो 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। कमिका एकादशी चातुर्य मास की दूसरी और सावन की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित एकादशी व्रत रखने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। सावन में एकादशी व्रत करने से ना सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कमिका एकादशी 2024 में कब व्रत रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। इस साल 2024 में कमिका एकादशी व्रत 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन बुधवार है। बुधवार को श्री कृष्ण की भक्ति का दिन भी माना जाता है और ये हमारे बुद्धि के दाता गणेश जी का भी दिन होता है। इस दिन कमिका एकादशी का व्रत भक्तों के महत्व को और अधिक बढ़ा देगा। अब थोड़ा समय पे चर्चा करती हूँ। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम को 4:44 पर शुरू होगी और 31 जुलाई 2024 को दोपहर में 3:55 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत करना सबसे अच्छा होता है। ऐसे में कमिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। वैष्णव और सामर सभी संप्रदाय 31 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, इस्कॉन, गौरिया मठ सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 31 जुलाई को ही होगा। इस तरह सर्वसम्मत से सभी जगह इस बार सिर्फ एक ही दिन की एकादशी है। 30 जुलाई को पूरी तरह से दशमी तिथि मानी जाएगी। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त समय सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक का है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में की हुई पूजा आपको बहुत फलकारी होगी। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा आराधना से शुभ फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। पंचांग के अनुसार इस बार सर्वत सिद्ध योग में कमिका एकादशी मनाई जाएगी। साल की कमिका एकादशी सर्वत सिद्ध योग में पड़ रही है। पूरे दिन ये शुभ योग बना रहेगा। सर्वत सिद्ध योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि उस दिन ध्रुव योग सुबह से लेकर दोपहर 2:14 PM तक है। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 AM तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अच्छा, शिव वास योग भी बन रहा है। देवों के देव महादेव कमिका एकादशी पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। इस दौरान भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं।
जो लोग 31 जुलाई को कमिका एकादशी का व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण मतलब अपना व्रत अगले दिन 1 अगस्त दिन गुरुवार को खोलेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 का है। इस समय में आप कभी भी पारण करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। 1 अगस्त को द्वादशी तिथि समापन का जो समय है वो दोपहर में 3:28 है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। परिवार में खुशहाली, परिवार में कोई अनबन चल रही हो तो कमिका एकादशी के दिन पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें। मान्यता है इससे परिवार में एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। अच्छा, अगर कोई साधक है जिसे कर्जे की समस्या है ना, तो जैसे कमिका एकादशी पर शाम को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जगाएं। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसा करने से कर्जे की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। पर ये उपाय हम सिर्फ तभी करेंगे जब एकादशी रविवार की ना हो, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।